नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी टैक्स फंक्शन के बारे में। आप देखेंगे यहां पर हमने कुछ आइटम्स लिए हुए हैं, उनके जीएसटी रेट्स लिए हुए हैं और यहां पर उनके प्राइस लिस्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रही है। इसके बेस पर यहां पर हमने कुछ आइटम्स को परचेस किया है। मान लीजिए वीवो का जो हमने आइटम परचेस किया है वो 10 पीस परचेस किया है, तो हमें निकालना है उसका टोटल प्राइस कितना है, सीजीएसटी टैक्स कितना है यानी सेंट्रल टैक्स कितना है, एसजीएसटी टैक्स कितना है, आईजीएसटी टैक्स कितना है और नेट पेमेंट क्या है। तो ये सब कुछ निकालने के बाद हमें इसका ग्रैंड टोटल निकालना है कि हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना है टोटल प्राइस के ऊपर। यहाँ पर आपको यूज करना है इज इक्वल टू। यूज करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले रेंज लेंगे क्वांटिटी की। क्वांटिटी की रेंज लेने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है उसको किस चीज से, वी लुकअप से। वी लुकअप का एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने एक कंडीशन शो हो रही है लुकअप वैल्यू की, कि आप लुकअप किसको करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम लुकअप करना चाहते हैं इस आइटम को हमें लुकअप करना है कॉमा, इसके बाद आपको कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो कॉलम है वो हमारा हाईलाइट हो गया। यहाँ पर अब आपसे पूछता है कि आपको कौन सी टेबल में से इस डेटा को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम डेटा जो है हमारा वो ये रहा, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर फिर से हम कॉमा का यूज करेंगे। और इसके बाद अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर आपका क्या है, यानी कौन से कॉलम कौन से इंडेक्स नंबर से आप इसको फाइंड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे शीट नंबर 1 के अंदर हम निकालना चाहते हैं प्राइस। तो प्राइस आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे हमारा आइटम है, दूसरे नंबर पे हमारी जीएसटी है और तीसरे नंबर पे हमारा प्राइस है। तो हमें चाहिए प्राइस, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी आपको प्रेस करना होगा 3 लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा यूज करना होगा। और इसके बाद वी लुकअप की कंडीशन आपको पता ही है कि यहाँ पर दो तरीके से वर्क करता है। सबसे पहला वर्क करता है हमारा अप्रॉक्स मैच और दूसरा करता है एग्जैक्ट मैच। इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा 0 यूज करने के बाद आपको ब्रैकेट को कर देना है बंद और उसके बाद प्रेस कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है। आपको शिफ्ट के साथ नीचे आना है, ड्रैग करना है और कंट्रोल के साथ डी दबा देना है। कंट्रोल डी दबाते ही आप देखेंगे आपकी सारी वैल्यू शो हो गई और यहाँ पर अब आप देखेंगे हैशटैग आपके सामने शो हो गया। हैशटैग का मतलब है आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी है, सेल के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करिए तब आपको ये डेटा पूरा दिखाई देगा। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अब हम निकालेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला उसी तरीके से यूज करेंगे, बस थोड़ी सी कंडीशन हम यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर सेम आपको यूज करना है इज इक्वल टू का और उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर जैसे हमने क्वांटिटी की रेंज ली थी तो यहाँ पर हमें लेना है टोटल प्राइस, यानी प्राइस के ऊपर ही हमारा टैक्स लगेगा। तो हम यहाँ पर टोटल प्राइस लेंगे। टोटल प्राइस लेने के बाद आपको इंटू करना है किससे, वी लुकअप से। वी लुकअप लेने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, तो ये आइटम है, इस आइटम को लुकअप करना चाहते हैं हम, कॉमा का यूज करेंगे। आप कॉमा का यूज करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आप इस आइटम को कहाँ पे लुकअप करना चाहते हैं, तो हमारी जो टेबल है वो हमारी टेबल फर्स्ट है जहां से हम इसको लुकअप करना चाहते हैं, इसके बाद कॉमा यूज करेंगे। कॉमा का यूज करने के बाद अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन और आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर का। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने आपको जैसे बताया कि इन शीट्स के अंदर कौन से कॉलम कौन से सेल के अंदर आपका ये टैक्सेशन पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाले के अंदर तो हमारा आइटम नेम है, दूसरे के अंदर हमारी जीएसटी है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो दूसरे नंबर पे है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लिखने के बाद हम यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे फिर से। और अब आप देखेंगे फिर से वही ऑप्शन आ गया अप्रॉक्स मैच या एग्जैक्ट मैच, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम यहाँ पर 0 का यूज करेंगे और उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा 2 से। अब ये डिवाइड बाय 2 हमने क्यों किया है, इसका रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो डिवाइड बाय 2 है वो इसलिए है क्योंकि जब भी हमारा जो टैक्स है, आप यहाँ पर टैक्स देखेंगे वो 10% है और 10% का हाफ होता है सीजीएसटी और हाफ होता है एसजीएसटी। तो यानी कि जो भी टैक्स अमाउंट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो वो डिवाइड हो जाए 2 से, यानी हाफ डिवाइड हो जाए और हमें चाहिए यहाँ पर हाफ रेट उसका। तो यहाँ पर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 750 इसका हाफ रेट यहाँ पर शो अप हो गया। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है एसजीएसटी के अंदर, तो फिर से आपको इज इक्वल टू का यूज करना है और यहाँ पर आपको रेंज ले लेनी है टोटल प्राइस की। टोटल प्राइस की रेंज लेने के बाद आप इसको इंटू करेंगे किस चीज से, वी लुकअप से।
लुकअप की रेंज लेने के बाद आपको यहाँ पर लेना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या थी, सेम इसी तरीके से यही आइटम है। इस आइटम को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, कॉमा किस में से फाइंड करना है मुझे, इस पूरी टेबल में से फाइंड करें। इसके बाद कॉमा का यूज़ करना है आपको। कॉमा का यूज़ करने के बाद आप कॉलम इंडेक्स नंबर फिर से आपसे पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारा, अब यहाँ पर आप देखेंगे वही जीएसटी टैक्स हमें फिर से लेना है। तो यहाँ पर फिर से हम 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद कॉमा देना है, और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 देंगे। 0 देने के बाद ब्रैकेट को फिर से बंद करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड बाय 2 मैंने आपको बताया, सीजीएसटी और एसजीएसटी को निकालने के लिए हमें डिवाइड बाय 2 करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे तो इसका 10% हमें यहाँ पर टैक्स शो करा देगा। इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे यहाँ पर शो अप हो गया। अब बात करते हैं आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी में भी सेम वही फॉर्मूला लगाया जाएगा, बस फर्क ये होगा हमारा इसके अंदर हम डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, क्योंकि आईजीएसटी जो होता है वो पूरा का पूरा टैक्स, अगर 10% है तो 10% पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा आपका। अब हम आईजीएसटी निकालेंगे, तो आईजीएसटी के लिए हम फिर से इक्वल टू का यूज करेंगे। मैं इस फॉर्मूले को आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में काम किस तरीके से कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले इक्वल टू का यूज किया। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है कोई भी फॉर्मूला जब भी हम इसके अंदर यूज करेंगे तो इक्वल टू लगाते ही एक्सेल हमारा एक्टिव हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई फंक्शन यूज होने वाला है। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे किसकी, टोटल प्राइस की रेंज ले लेंगे। टोटल प्राइस की रेंज लेने के बाद इसको इंटू करेंगे, किस चीज से इंटू करना है हमें, हमें यहाँ करना है वी लुकअप से, यानी जो भी हमारा टोटल प्राइस है वो मल्टीप्लाई हो जाए किससे, वी लुकअप से, जो भी आंसर हमारे सामने शो होगा। तो इसके अंदर अब आप देखेंगे सबसे पहला जो वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू है, यानी लुकअप वैल्यू क्या होती है, तो लुकअप वैल्यू मैंने आपको बताया कि ये आइटम को फाइंड करता है, यानी हमें इस वीवो को फाइंड करना है इस वाली टेबल में से। और यहाँ पर हम ले लेंगे टेबल की पूरी रेंज, कि ये जो आइटम है हमारा वीवो वो इस टेबल में से फाइंड करे। फाइंड करने के बाद फिर से आपको कॉमा का यूज करना है, और कॉमा का यूज करने के बाद अब आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपका ये जो डेटा है वो कौन से कॉलम, कौन से इंडेक्स, कौन से नंबर पर है वो आप इसे बताइए। तो हम इसे बता देते हैं यहाँ पर 2, यानी कि हमारा जो टैक्सेशन पार्ट है वो 2 के अंदर है। तो यहाँ पर जीएसटी जो आपको दिखाई दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लिखने के बाद हम यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे, और यहाँ पर आपको अप्रॉक्स मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं, और अगर 0 लिखना चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं, 0 का मतलब ही फॉल्स ही है। और उसके बाद हम ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करेंगे, और यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 2 नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया सीजीएसटी एसजीएसटी जो होता है वो आईजीएसटी का हाफ हाफ पार्ट होता है और आईजीएसटी पूरा कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर वीवो का जो भी आइटम है उसके ऊपर 10% की जीएसटी लग रही है, तो यहाँ पर 10% आपका आईजीएसटी में शो होगा। यहाँ पर जैसे हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर इसको मैनेज किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल टैक्सेशन पार्ट शो हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर 1500 रुपये आपकी आईजीएसटी आई है, जिसमें से 750 रुपये आपका एसजीएसटी है और 750 रुपये आपका सीजीएसटी है। तो दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा आईजीएसटी शो हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेट पेमेंट की, उससे पहले हम इन सभी को कंट्रोल डी करके कंप्लीट कर लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, आगे आने के बाद हमें नेट पेमेंट निकालनी है। तो नेट पेमेंट निकालने के लिए आपको इस शीट की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सिंपल इक्वल टू का यूज करना है। इक्वल टू का यूज करने के बाद आपका जो टोटल प्राइस था वो क्या था, टोटल तो टोटल प्राइस हमारा था ये 15,000, जिसके ऊपर प्लस हो जाएगा हमारा आईजीएसटी। आप आईजीएसटी को भी प्लस कर सकते हैं या तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी प्लस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही आपकी नेट पेमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। इसको आप ट्रैक करके यहाँ तक कंट्रोल डी कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके टोटल अमाउंट यहाँ पर शो अप हो गए, जो भी आपने आइटम्स परचेज किए थे, जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एमआई, नोकिया, जितनी क्वांटिटी में आपने आइटम्स को परचेज किया था उसकी नेट पेमेंट आपके सामने शो हो गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। जैसे ही आप ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो गया। तो यही था हमारा जीएसटी फंक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।